गई है जी डेजी की, इसकी थोड़ी बहुत गुडाई करनी है हमने और लीव्स को थोड़ा शावर देना है, मिट्टी से भर गई हैं और सोइल काफ़ी हार्ड हो गई उनकी। देख रहे हैं आप, पानी में रोज़ की रोज़ नहीं डाल रही हैं इनको, नहीं तो लीव्स नीचे से गलने लग जाती हैं। और कितने ज़्यादा बर्ड्स बन रहे हैं, एक फ्लावर से दो दो तीन तीन पॉप्स निकल रहे हैं बेबी प्लांट्स, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अच्छी सी फ्रेगनेंस है इसकी, गेंदे की तरह ही सीड्स भी ऐसे ही बनते हैं इसके। तो नवंबर में ही काफ़ी अच्छी इसको हो गए 10-15 दिन फ्लावर्स को निकलते हुए, और इसके अब सीड्स बन जाएंगे, इसके भी सीड्स बन जाएंगे। जैसे जैसे ये मैच्योर होते रहते हैं तो ऐसे इनके सीड्स बनते रहते हैं सूखने के बाद, मैरीगोल्ड की तरह। काफ़ी बडिंग हुई हुई है, देखें हम छोटे छोटे कितने बर्ड्स हैं, ये रे इधर पूरा गमला भर जाएगा। ये एक्चुअली लगाया मैंने 12 इंची पॉट में, 12 इंची साइज़ है, रेड पॉट है और इसका कंट्रास्ट ही बड़ा अच्छा बन रहा है। तो उसको नीचे की लीव्स को देख रही हूँ, वैसे ट्रिम करने की ज़रूरत है नहीं, तो खाद वगैरह डालनी है, सोइल देख लेंगे पहले। तो ये है सोइल इसके, ऐसे इतनी ड्राई साइड में, गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। कितनी सुंदर लीव्स हैं इसकी, बहुत ही अच्छी शेप का प्लांट होता है, फल की तरह पत्तियां हैं और ऊपर फूल इतने सुंदर कई कलर्स में आते हैं। लेकिन मेरे पास जितने भी हैं, वैसे तो मिक्स ही लगाए थे, सारे ऑरेंज ही निकले हैं ये, लेकिन ऑरेंज भी बुरा नहीं लग रहा, बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है ये भी। सुबह सुबह की धूप जब पड़ती है ना, इतना मतलब कि सन की तरह ही चमकते हैं ये भी। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है तो इनको खाद वगैरह भी डालनी पड़ती है, हमें गुडाई भी करनी पड़ती है थोड़े दिनों बाद, और प्लस सनलाइट के बिना नहीं चलते ये। जो सिंगल लगाए हैं वो मतलब इतने प्यारे नहीं लग रहे हैं देखो, और जो बड़े पॉट में है वो काफ़ी बंचेस में निकलते हैं पूरा ऐसे बुके की तरह ही, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो जब भी लगाएं आप एक पॉट में, अगर 12 इंच का या 10 इंच का पॉट है, तीन लग जाते हैं उसमें, जैसे कि तीन सेपरेट लगाए हैं ये मैंने, एक येरा, एक येरा और एक येरा, और उसी के आगे अब और प्लांट्स निकल रहे हैं अलग अलग। नीचे की पत्तियाँ सारी तोड़नी पड़ेंगी कि थोड़ी हवा लगे, वो देखो नर्सरी से 20 रुपीज़ ईच मिले थे, और छोटी सैपलिंग्स हैं जो वो 5 रुपीज़ में। पानी
चेक करके डालें, जब भी डालें जितने मतलब कि ड्राई साइड में रहेगा ठीक रहेगा। और जैसे जैसे इनकी सीड्स बनने से पहले आप अगर इनको कट ऑफ कर दोगे ना, तोड़ दोगे फूलों को, तो ज़्यादा फ्लावरिंग आती है। और ये मैच्योर लीव्स हैं जो, उनको भी निकाल दें तो थोड़ा फ्रेश भी लगने लग जाता है प्लांट। अब इसकी कटाई वगैरह हो गई है तो अब इसमें डाल दें हैं। सोइल में मिक्स कर दीजिए और पानी डाल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। लो गाइस, अब इसको देना हमें पानी, और जल्दी से जल्दी देगा ज़्यादा से ज़्यादा फूल और लंबे टाइम तक चलेगा। गाइज, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।